एंटीएयूजीसने यानी निमेजने सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। सर आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल निमिजी नेट पर। आप बताइए कैसे हैं? हाँ बढ़िया सर, धन्यवाद। सर आप कहाँ से हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है ये हमें बताइए थोड़ा, आपका नाम क्या है? सर मैं राजस्थान में चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील में मैणा सर गांव का निवासी हूँ। मेरा नाम मुकेश खिचड़ है और मेरा जो सब्जेक्ट है वो इतिहास है। यस सर, वेरी गुड सर। तो अभी जैसे आपने एग्जाम दिया था तो इसमें आपका नेट हुआ है या जेआरएफ हुआ है, क्या हुआ है आपका? इसमें सर मेरा नेट और जेआरएफ दोनों हो गए हैं। वेरी गुड सर। तो इसके लिए आप कब से तैयारी कर रहे थे, कितना टाइम लगा आपको जेआरएफ होने में? मैंने लगभग 4 से 5 महीने तैयारी की सर। वेरी गुड सर, और आपको बहुत बहुत बधाई हो सर इसके लिए, क्योंकि काफी टाइम लग जाता है इसके पास होने में सर काफी लोगों को। सर यहाँ पे अब बात ये आती है कि जो पेपर सेकंड के अंदर सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि हमें स्टडी किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि पेपर सेकंड में हमें गाइड करने वाला नहीं मिलता। तो आपने किस तरह से तैयारी की थी और आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, तो वो थोड़ा आप बताइए ताकि जो और स्टूडेंट है हिस्ट्री के तो वो अच्छे से तैयारी कर सके। हाँ सर, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी। तो मैंने स्टार्टिंग में प्रयास किया था कि कुछ बने बनाए नोट्स मिल जाए मेरे को किसी के, तो कुछ हेल्प हो, पर वो अवेलेबल नहीं हो पाए। तो उसके बाद ही मैं सबसे पहले तो जो पुरानी ईयर्स के जो पेपर हैं उनकी गाइड टारगेट मिल जाती है, मैं भी लाया था प्रभास पब्लिकेशन की। तो सबसे पहले जो पुराने सालों के जो पेपर थे उनको ढंग से पढ़ा, उनको समझा जो कंसेप्ट था कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं क्या है इसका। उसके बाद मैंने जो प्राचीन भारत है उसमें केसी श्रीवास्तव की, मध्य भारत में सतीश चंद्र और आधुनिक भारत में विपिन चंद्र की बुक्स लाकर वो पढ़ाई की, और उसमें एक बार ही पढ़ी मैंने सारी बुक्स को, और पढ़ते पढ़ते उनको अंडरलाइन किया और उनके नोट्स तैयार किए। अच्छा, और उसके बाद मैंने 2 से 3 बार वो जो नोट्स थे उनकी रिविजन की। यस सर, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने जैसे बताया कि ओल्ड पेपर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना सर? तो ओल्ड पेपर के लिए जैसे आपने बुक बताई थी प्रभास की बताई थी ना आपने? हाँ, वो कई तरीके आती है, वो प्रभास की लाया था मैं। और इसके अलावा जैसे हम बात करें कि टोटल आपने कितनी बुक पढ़ी होगी टोटल पेपर सेकंड की? मैंने पेपर सेकंड में 3 तो ये आपको भी बताए, इसके अलावा अरिहंत की गाइड, अच्छा, वो गाइड अच्छी आती है वो पढ़ी मैंने, बस इतनी ही पढ़ी थी, इनका रिवीजन किया 2-3 बार। सर बहुत अच्छे सर। और एक जैसे ये आती है कि अब बात ये आती है कि सर जैसे पेपर सेकंड की तैयारी के लिए आपने कितना टाइम दिया था, आपकी प्लानिंग क्या थी, किस हिसाब से आप स्टडी करते थे पेपर सेकंड के? वैसे तो मैंने जब तैयारी शुरू की थी तो डेली 5 से 6 घंटे निकालता था, और लास्ट में एग्जाम के बाद जाते 7-8 घंटे और फिर 10 घंटे डेली पढ़ाई की थी मैंने। लगभग 6-10 घंटे मैंने पढ़ता था, तो उसमें लगभग 6 घंटे इसमें देता था और 4 घंटे फर्स्ट पेपर में देता था। यस सर, और यहाँ पे एक एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया था कि करीब 4 महीने आपने टाइम दिया, तो आपने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को साथ लेके चले थे या फिर लास्ट में जाके आपने पेपर फर्स्ट पे ध्यान देना शुरू किया, क्या रहा? साथ साथ में शुरू किया था सर। हाँ सर, क्योंकि काफी स्टूडेंट यही गलती करते हैं सर कि जब लास्ट में एग्जाम आ जाता है तब वो पेपर फर्स्ट पे ध्यान देते हैं और पहले वो इग्नोर करते हैं पेपर सेकंड, वो पेपर फर्स्ट को कवर ही नहीं हो पाता फिर ना। हाँ, फिर कवर नहीं हो पाता सर। तो और पेपर अब बात करें जैसे पेपर सेकंड की हमारी होगी, तो पेपर सेकंड के अंदर कुछ और भी मैं बात पूछ लेता हूँ आपको कि पेपर सेकंड के स्पेशल हम बात करें तो उसके अंदर किस तरह से जो और स्टूडेंट है आप उनको क्या राय देना चाहोगे कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए ताकि उनका जेआरएफ हो जाए? मैं तो ये राय दूंगा कि सबसे पहले तो जो पुराने ईयर्स के पेपर हैं उनकी ढंग से स्टडी करें,
उसके अलावा जब हम बुक्स पढ़ते हैं या गाइड में कहीं पढ़ते हैं तो हमें हर क्वेश्चन की ट्रिक बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने तैयारी की तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर ट्रिक बना के याद करेंगे तभी याद हो पाएंगे, नहीं याद नहीं हो पाएंगे। यस और सर। इसमें कुछ मैंने यूट्यूब से भी खूब हेल्प ली, दो तीन चैनल अच्छे थे उनपे भी। वैसे तो क्या है कि कोई भी चैनल वो परफेक्ट नहीं है, यस सर, कोई भी नहीं है सर परफेक्ट। जैसे हम कोई टॉपिक है अपना जो तो हमें समझना है पढ़ना है तो वो टॉपिक डालते हैं तो उस टॉपिक की बहुत सारी वीडियो आ जाते हैं तो अपन देख लेते हैं, जो अपने सही लगता है उससे उस वो देख के और तैयारी कर लेते हैं। इसके अलावा दो चैनल मेरे को सबसे बेटर लगे हिस्ट्री के लिए, जिनमें एक तो पाथ फाइंडर स्टडी पॉइंट और एक स्टडी 91, यस सर, से मेरे ज्यादा हेल्प मिली। बहुत अच्छी चीज है सर। और अभी जैसे अभी आपका क्या गोल है, आगे आप क्या करना चाहते हैं? मैं सर कॉलेज प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहा हूँ आरपीएससी की। अच्छा सर, अच्छी हाँ बात है। और अभी जैसे हमने पेपर फर्स्ट की सेकंड की बात की थी, अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसके अंदर किस तरह से तैयारी करनी चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि हमारे लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही इम्पोर्टेंट है सर, हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है सर इनके दो। जी सर, तो पेपर फर्स्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो पेपर फर्स्ट में भी मेरी सेम यही पॉलिसी थी जो सेकंड पेपर के लिए थी, यस जो पेपर थे उनको ट्राई किया सबसे पहले तो वो स्टडी किया ढंग से। यस उसके अलावा सर, ये जो गाइड थी ये इसमें भी मैंने अरिहंत की प्रीफर की, यस सर, और इसके अलावा अलग से मैंने कोई बुक्स वगैरह तो ली नहीं इसकी, सिर्फ ये गाइड पढ़ी थी। उसके अलावा यूट्यूब के कई चैनलों से मदद ली और उसमें सबसे बेटर मेरा आपका चैनल लगा मुझे, कौन सा तो सर? ये जो निमिजी नेट के नाम से आपका जो चैनल है यस सर, इसमें मेरे जो सारे कंसेप्ट थे वो ढंग से क्लियर हो गए, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर में प्रॉब्लम ये आती है कि जो कंसेप्ट है बहुत ही उनकी लैंग्वेज बहुत क्रिटिकल होती है, वो समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाह रहा है। ढंग यस सर, से समझाया उसका खूब फायदा मिला और उसी कारण मेरा फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर से ज्यादा परसेंटेज बने। मेरे फर्स्ट पेपर में 70% बने जबकि सेकंड पेपर में 56 थे। हाँ अच्छा सर, फर्स्ट पेपर में 70% बने होंगे, ये सर तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बधाई और खुशी वाली बात है सर। तो आपका परसेंटाइल जो है वो तो बहुत हाई रहा होगा, कितना रहा था आपका परसेंटाइल? मेरा परसेंटाइल 99.52% रहा सर। अरे वाह सर, क्या बात है सर, आपकी तो सर कितनी बधाई दे आपको, समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात है सर, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि आपसे बात कर रहे हैं और हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको सीखने को मिल रहा है। और एक चीज और है सर कि यहाँ पे जैसे आपके पास कुछ रिटर्न नोट्स है, या कि जैसे हम इंटरनेट पे बात करें तो पीडीएफ वगैरह स्टूडेंट के लिए कोई अवेलेबल है ऐसी जो वो पढ़ सके पेपर सेकंड की? नहीं सर मैंने इंटरनेट से कोई नोट्स वगैरह वैसे लिए भी नहीं, और जो तैयार कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि जो नोट्स हैं वो खुद के तैयार किए हुए काम आएंगे। अगर किसी और के पास भी नोट्स बनाए पड़े मैं उनका भी पीडीएफ बना के और डाल सकता हूँ, मगर उनके कोई काम नहीं है क्योंकि काम खुद के नोट्स बनाए काम आएंगे। अपन जब पूरी बुक्स पढ़ेंगे सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद में जो मेन मेन चीज इतनी याद रख एक्स्ट्रा याद रखनी है उनके नोट्स बनते हैं, तो मेन चीज तो इसमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अपने को। तो यस सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले ढंग से पढ़ के और खुद के नोट्स बनाए, दूसरों के नोट्स पे डिपेंड नहीं रहे। बहुत अच्छी बात है सर। और इसके अलावा कुछ और आप कहना चाहते हो जो स्टूडेंट है उनसे, या हमारे व्यूअर हैं उनसे कुछ कहना चाहते हो तो आप कह सकते हैं सर। के लिए अपने को फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी पड़ेगी यस और सर, फुल टाइम देना पड़ेगा। मैं तो वैसे भी उसके साथ साथ भी मैंने इतना टाइम निकाला है, तो यस सर, जो तैयारी कर रहे हैं जिनका मेन पर्पज ही स्टडी का ही है उनको तो उससे यस भी
कम से कम ये 8-10 घंटे का टाइम देंगे, वो 3-4 महीने तैयारी करेंगे तो नेट और जेआरएफ दोनों निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैं भी जब इस यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखता था कि कई बंदे हैं ऐसे जिन्होंने फर्स्ट टाइम ही ये कर लिया, नेट और जेआरएफ दोनों हो गया, मैं भी सोचता था यार एक बार तैयारी करके कैसे निकल सकते हैं। कई कई तो ऐसे बोल रहे हैं कि 10-10 बार दे दिया फिर भी नहीं निकल रहा, नेट ही नहीं निकल रहा। वही बात है, करेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जी सर, थैंक यू सर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है कि आप हमेशा तरक्की करें और सभी का नाम रोशन करें सर। और आखिर में जाते बस एक आप यूजर को, हमारे व्यूअर को निमिज नेट चैनल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये 2 लाइनें और बता दीजिए बस। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपका जो नेट बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आपका जो चैनल है उसमें मैंने जो पेड मेंबरशिप नहीं ली थी और अनपेड वीडियो ही देखे थे, क्योंकि पहले वो था नहीं इतना, पर लास्ट में जब एग्जाम के कोई 5-7 दिन बचे उस टाइम मेरे को ऐसे फील हुआ कि अगर मैं पेड मेंबरशिप लेता तो कुछ और ज्यादा बेटर कर सकता था, और उसके बाद में इतना टाइम नहीं, अगर वो पेड वाला लेके और वो सारी इतने सारी वीडियो देख के और इतनी तैयारी हो सके। यस सर, तो अभी जैसे हम स्टूडेंट को, आप पेड ग्रुप के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जहाँ तक मेरे को लगता है कि उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, और बाकी वो जब आपकी वो अनपेड वाले जब देखेंगे वीडियो तो उनके खुद के समझ में आ जाएगा। यस सर, और वैसे भी सर नॉर्मल हमारी जो फीस है वो बहुत ज्यादा फीस तो होती नहीं, बिल्कुल नॉर्मल फीस होती है जिसे पे करके आसानी से स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। ठीक है सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।